नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आगरा जिले से, जहां पर लोगों की सुरक्षा में दिन रात एक करके जुटे पुलिस कर्मियों पर रविवार शाम यमुनापार क्षेत्र में एक बस्ती में हमला बोल दिया गया। पथराव हुआ और पथराव में दरोगा घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उनकी छुट्टी हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया की चौकी पर तैनात दरोगा विकास राणा रोजाना की तरह रविवार को क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लोगों को घर में रहने के लिए कहने गए थे। गश्त के दौरान शाहदरा चुंगी स्थित बघेल बस्ती में पहुंचे, जहां पर कुछ लोग शराब के नशे में थे। जैसे ही दरोगा ने उन लोगों को घर जाने को कहा तो वो लोग दरोगा से उलझ गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने दरोगा विकास राणा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान दरोगा के सिर में गंभीर चोट आई और वो घायल हो गए। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए आगरा फिरोजाबाद रोड स्थित गोयल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मामले की जानकारी मिलते ही थाना इत्मादौला SHO उदयवीर सिंह मलिक फोर्स के साथ अस्पताल पहुंच गए। बताया गया है कि सिर में चोट आने के कारण उनको टांके भी लगाए गए हैं और इलाज के बाद डॉक्टरों के द्वारा उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।